सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास है ये डोम्स का, देखो इस पर क्या लिखा है, सब पढ़ते हम। एवरी एम्बिशन नीड्स प्रिपरेशन, ठीक है। इस पर लिखा है ये किस लिए है, कोई भी हमारा एम्बिशन होता है यानी कि कोई सपना हम सोचते हैं वो हमारे जो भी हमने पूरा करना अगर, तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत अच्छी एक थॉट लिखी हुई है इस पर, और सुपर डार्क ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं ये, HB2 भी, ठीक है। और इसके यहाँ पे इसमें हमारे पास जो है बड़े बॉक्स में 10 हमें पैक मिलने वाले हैं पेंसिल के, इन वाली, ठीक है। HB, HB2 एक ही पेंसिल, मतलब एक तरह की होंगी वो। और ग्रेफाइट पेंसिल ये हैं जो आर्टिस्ट वगैरह लोगों को बहुत पसंद आती हैं डोम्स की, और आर्ट वगैरह करने के लिए ही प्रेफर सब इसको करते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल को मोस्टली। और ये हैं 10 पेंसिल्स, हर एक पैक में 10 पेंसिल है, 10 पैक है, ठीक है। तो 10 से 100, 100 हमारे पास पेंसिल्स हैं ये इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें लिखा है इसमें यहाँ पे कार्बन इरेजर टिप इसमें हमें मिलेंगी इनकी, और सुपर डार्क की पेंसिल्स हैं। पीछे इस पर हम देखते हैं क्या क्या लिखा है, वही सब लिखा है, कार्बन इरेजर टिप इनकी है और सुपर डार्क हैं ये ग्रेफाइट पेंसिल्स, और 10 पैक हमें मिलेंगे इसमें। और यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर कस्टमर्स के लिए सब लिखा है, प्रोडक्ट हमारे पास पेंसिल नेट क्वांटिटी 10 यूनिट्स हैं, यानी कि 10 बॉक्सेज इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं जो हमें चाहिए पेंसिल्स उनके। इस पैक में अगर हमें पूरा पैक लेना है ये, सो हमें पड़ेगा ये 700 का, और हर बॉक्स जो इसमें अगर हमें एक एक लेना है बॉक्स, वो पड़ेगा हमें 70 रुपीज़ का पर बॉक्स, 70 रुपीज़ में 10 पेंसिल्स मतलब की। और अगर हमें सारे बॉक्स खरीदने तो पड़ेगा हमारे 700 का हमारे पास, ठीक है। सो ये इस पर यहाँ पे रेट वगैरह भी हमने देख लिया है, तो चलो जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं। वाओ, देखो डोम्स भी और ये कार्बन जो कंपनी की पेंसिल है, यहाँ पे दोनों डोम्स और ये दोनों बढ़िया इनका कॉम्बिनेशन बना के इनको दिया गया है। एक बॉक्स हम निकाल के देख लेते हैं, चलो सबको रखते हैं यहाँ पे। तो चलो अब हमने ओपन कर लिया है फर्स्ट ये, ओए तो देखो हमने कर लिया है हमारा जो पैक है वो ओपन। तो चलो सबसे पहले हम इस पैकेट में जो ये है इसको ही देख लेते हैं, एक सिंपल जो हमें बॉक्स मिला है इसमें हमें देखो क्या क्या मिलने वाला है। वही थॉट सेम यहाँ पे भी लिखी हुई है, और यहाँ लिखा है वही 10 पेंसिल्स इस बॉक्स के अंदर है, क्योंकि वो तो ऑल ओवर बड़े वाले बॉक्स की डिटेल थी, जो बॉक्स था ये वाला। और ये है हमारे पास टोटली जो है डिटेल, ये है हमारे पास इसकी, इस छोटे वाले बॉक्स की जो इसमें से निकला है। तो हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको, वही सब है 10 इसमें पेंसिल है, ये इनकी 185 mm लेंथ है हर एक पेंसिल की, मिलीमीटर यानी की। और ये पेंसिल है प्रोडक्ट में, और 70 रुपीज़ का ये पैक हमें पड़ने वाला है। अगर हमने इसमें से एक पेंसिल लेनी है तो वो पड़ेगी 7 रुपीज़ की, मान लीजिए एक पेंसिल इसके अंदर जो भी है वो हमें मिलेगी 7 रुपीज़ की, ठीक है। चलो हम इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं, बड़ी प्यारी सी पैकिंग की हुई है इसकी भी इन्होंने। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इसमें हम पेंसिल्स को देखते हैं। सबसे पहले देखो कितना ब्यूटीफुल ये बॉक्स है, सॉरी। तो देखो, तो चलो इसको ओपन कर ही लिया हमने, हम इसके अंदर का सामान ना अभी फिर देखेंगे, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या दिया है इसमें, फिर सब कुछ एक साथ देखेंगे। तो एक पेंसिल इसके अंदर होने वाली है 7 रुपीज़ की, और यहाँ पे इरेजर शार्पनर का नंबर है 1, हमें एक इरेजर शार्पनर दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, और ये इंडिया के अंदर बनी हुई है डोम्स कंपनी, हमें पता ही है। और यहाँ पे बच्चों के लिए वार्निंग लिखी हुई है, जो 3 ईयर्स प्लस बच्चे होते हैं उनको ये दे सकते हैं हम। और ये ट्रेडमार्क हमारी बिल्कुल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली कंपनी डोम्स है, और जैसे हमें पेंसिल मिलने इरेजर मिलने वाली इसके अंदर वो लिखा हुआ है सब कुछ, जो बहुत अच्छे बॉन्डिंग प्रेस प्रोसेस से बनाई हुई है, क्योंकि वो पेंसिल की चीज हो ग्रेफाइट होती है ना, जो पेंसिल होती है बहुत डार्क बिल्कुल ब्लैक चलती है, हमें पता है ड्राइंग में कहाँ कहाँ यूज होती है, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको सब अच्छे से पता होता है। और सॉफ्ट वाली टिप होती है इनकी, थोड़ी अलग ही बिल्कुल स्मूथ इनका जो है चलता है। तो इसके अंदर शार्पनर है, और जो इरेजर है वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो है ग्रेफाइट पेंसिल के लिए स्पेशली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो है हमारी जो इरेजर है वो इस हिसाब से है कि वो ग्रेफाइट को इरेज कर सके, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट को इरेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ब्लैक कलर का होता है, नॉर्मल इरेजर से नहीं होता, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे ओपन करके इस बॉक्स को हमारे, क्योंकि देखो और तो कुछ इस पर लिखा नहीं है, वही सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। और चलो देखते हैं, ये देखो वाओ, देखो ये देखो कितना प्यारा वाओ, देखो इसमें से हमारे पास आया है शार्पनर, वही है ये शार्पनर प्लस इरेजर जो है मिक्स, देखो यही मेरे ख्याल से तो आपको यही है, देखो यही आ चुका है हमारा इरेजर शार्पनर में। देखो यहाँ से शार्प करो पेंसिल को, ग्रेफाइट को बिल्कुल सॉफ्ट, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। और ये है हमारी इरेजर, ठीक है, ये बिल्कुल देखो कितनी अलग सी इरेजर है ना, ये ग्रेफाइट को रब करने के लिए, देखो। और अब हम देखेंगे हमारी पेंसिल्स को, 10 पेंसिल्स हमारे यहाँ पे इस बॉक्स में हमें मिलने वाली हैं, देखो वही सेम इरेजर हर एक पेंसिल के पीछे भी है, देखो यहाँ पे टिप लिखा हुआ था ना, टिप पे है, और वही इरेजर हमें यहाँ पे बड़े में भी मिल गई है, कि ये वाली थोड़ी खत्म हो जाती है, छोटी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो एक्स्ट्रा भी हमारे पास दी गई है, जो ऑल ओवर आपको पूरे बॉक्स की जो पेंसिल्स है उनके साथ यूज करने में, रब करने में पूरी वो काम आने वाली है।
और इनके हिसाब से ही वो शॉर्पनर बनाया गया है। ये देखो कितनी प्यारी ये लग रही हैं, HB2 वाली पेंसिल्स। इनका कलर ही देख लो आप कितना अच्छा है, देखो ऐसी हैं ये ग्रेफाइट पेंसिल्स हमारी। क्योंकि ना ये वाला जो हमारे पास लिखा है ना कि कार्बन टिप है, सॉरी जो ये है इनकी जो टिप है वो HB है, HB2 थोड़ा डार्क में हो जाता है। बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए इन पेंसिल्स, ऐसा कुछ नहीं है और कि जस्ट आर्टिस्ट वगैरह इसको ग्रेफाइट को यूज़ करे उसमें, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं थोड़ी दूसरी पेंसिल्स चलती है ना, सो ये सब ऐसा कुछ ज़रूरी बात नहीं है। नॉर्मली ग्रेफाइट ही यूज़ होता है पेंसिल्स में। देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो जो ये पेंसिल है यहाँ पे देखो कि कोई इतनी वो बात नहीं है कि ये बहुत ही वो है डार्क है, क्योंकि देखो ये थोड़ी शेड में हमारे पास HB 2 में आ गई और ये थोड़ी बढ़िया सुपर डार्क भी वगैरह लिखा हुआ है इस पर। सो ऐसा है कि जो हम इन्होंने इरेजर के साथ दी है वो ज़्यादा अच्छे से रब कर सकती है। हमारे पास कुछ नॉर्मल इरेजर होते हैं वो हमारा जो हमने होमवर्क किया है बच्चों ने इरेज भी नहीं होता कई बार, सो क्योंकि पेंसिल का अपने अपने हिसाब से इन्होंने वो सब नोट किया हुआ है उस बॉक्स पर, सब लिखा हुआ है इन्होंने इस बॉक्स पर कि इसको हमने इन पेंसिल्स के हिसाब से भी करा हुआ है डिज़ाइन इरेजर को। सो हमारे पास तो प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हम यहाँ पर भी इरेजर में वहाँ पे भी हम इससे अपना सुपर डार्क और बढ़िया राइटिंग में होमवर्क करें या फिर अपनी कोई ड्राइंग्स की आउटलाइंस में या फिर कोई भी शेडिंग में यूज करें। हर वेसी की ग्रेफाइट पेंसिल हमारे काम आती ही है और बहुत बेस्ट होती हैं ये, ठीक है। HB 2 बहुत सारी आगे शेड्स बढ़ती जाती हैं इन कंपनीज की और वो सब आर्ट में आगे और यूज होती हैं। तो ये नॉर्मली बच्चों के लिए सब इससे होमवर्क भी कर सकते हैं, हर चीज़ में यूज़ हो सकती है। बहुत अच्छी है पेंसिल्स हैं हमारी होने वाली हैं। देखो कलर भी बहुत प्यारा है, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी लोग, कुछ ऐसा नहीं कि पिंक है या फिर अलग से कोई बॉयज कलर है, बिल्कुल ब्लैक है और ब्लैक तो आजकल सबको पता है भाई सबका फेवरेट ही होता है। देखो सब पेंसिल्स भी और शार्पनर और इरेजर भी सब कुछ है हमारे पास ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल, सब कुछ ब्लैक कलर में है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को आजकल क्या प्रेफर करते हैं बच्चे, बच्चे ही प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसी शेड मिल जाए हमें कलर्स की, कलर्स का भी बच्चों को थोड़ा इशू रहता है। सो ये ऑल ओवर है। आपको ये पेंसिल्स कैसी लगी, कौन कौन इस पेंसिल को यूज़ करता है या फिर करना चाहता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना इसको और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल को आगे मतलब और भी चीज़ें चैनल में विजिट करना चाहते हो तो चैनल के अंदर जो हमारे पास बेल आइकन होता है उसको क्लिक जरूर करना, क्योंकि हमारे आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो तो आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करके देख ही लोगे क्योंकि आपके पास सजेस्ट होंगे वो, ठीक है। चलो बाय बाय, हम अपनी नेक्स्ट कलेक्शन साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।